हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुचेता वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ केमिकल पील के बारे में कि हम घर पे केमिकल पील किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करूँगी। पहले बता दूँ कि मैंने ये मंगवाया क्या है और कहाँ से मंगवाया और उसका अमाउंट क्या है। मैंने मंगवाया है मिनिमलाइज्ड केमिकल पील जो कि मैंने मंगवाया है अमेजोन से। इसका अमाउंट है 699, तो इसी रेट पर मिला है, कोई शिपिंग चार्ज वगैरह नहीं लगा इसके अंदर। और पैकेजिंग इस तरीके से है और पीलिंग के लिए जो है वो ग्लास बॉटल है जो कि ड्रॉपर फॉर्म में है। जो येलो है वो है इसके अंदर हल्दी इंक्लूड, जो कि हल्दी तो ऑलरेडी फेस पे बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अंदर AHA, BHA और BHA इसके अंदर इंक्लूड है, जो कि ये सारे एसिड है जो फेस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्चुअली मैंने इसे पिछले महीने मंगवाया था, तो मुझे इसे यूज़ करते हुए पूरा एक महीना हो चुका है, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा तो उसके बारे में कुछ बात करूँगी। मैंने जब इसे फर्स्ट वीक यूज़ किया था, तो इसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि जब भी आप पीलिंग करें तो आप अपने फेस पे थिक लेयर बनानी है पीलिंग की। मैंने वो नहीं बनाई थी, तो मैंने हल्का हल्का पीली अपने फेस पर लगा लिया था और इस तरीके से स्प्रेड कर लिया था कि भैया अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ फेस ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से तो लगा लिया। पर उसको जब 10 मिनट कम से कम मैंने रखा था, टाइम का इतना ही है कि 10 मिनट कम से कम पीलिंग आपको फेस पे रखनी है। रखने के बाद जब मैंने उसको वॉश करा, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे फेस पे थोड़ा सा ड्राइनेस आने लग गई, जो नोज़ के जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं लिप्स के पास, और साथ ही साथ जो मेरे आइज़ के नीचे यहाँ पे एक इतना ज़्यादा ड्राइनेस आने लग गया। तो थोड़ा सा लगा कि भैया इस पे लगा के तो ड्राइनेस आने लग गई फेस पे, तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने इसको नेक्स्ट वीक यूज़ करा, संडे को ही शाम को। उसके बाद यूज़ करने के बाद उस सेकंड पील के बाद फेस पे थोड़ा सा इम्प्रूव लगा कि ड्राइनेस नहीं रही, जो थी उस टाइम वो हो चुकी थी फर्स्ट पील में। उसके बाद सेकंड पील में मेरे को ड्राइनेस नहीं रही। थर्ड पील में मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव लगा कि फेस पे थोड़ा सा ग्लो आया, और फोर्थ पील में तो ग्लो आया ही है, जो पहले जो बहुत मतलब कुछ टाइम पहले पिंपल्स हो गए थे फेस पे, तो उसको इम्प्रूव लगा। तो ये सब चीज़ें तो इसके अंदर मुझे देखने को मिली, पर बात इसकी ये है कि इसमें ये भी था कि आपके डार्क स्पॉट्स के लिए और ब्राउन स्पॉट्स के लिए, जो बहुत ही पुराने स्कार्स हैं उसके लिए स्पेशली, ये मलाजमा की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। मलाजमा एक बार हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए ये पील बहुत अच्छा है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो कि फेस की पिगमेंटेशन को दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है। आपके पुराने डार्क स्पॉट्स हैं, मेरी नोज़ के पास बहुत सारे ब्राउन स्पॉट्स थे जो कि इसको लगा के वैसे एकदम से गायब तो नहीं, 19-20 का फ़र्क मुझे ज़रूर लगा। पर हाँ, आप किसी भी पील को करते हैं फेस पे, कम से कम 6 मंथ आपको लगाने पड़ेंगे। और जब भी आप पील करें फेस पे, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा नाइट में ही अप्लाई करना है। आप किसी भी पार्लर में जा रहे हैं, कोई भी फेशियल या कोई भी क्लीनअप करवा रहे हैं फेस पे, तो कोशिश यही करें कि आप उसको नाइट में ही प्रेफर करें। दिन में कराएंगे तो सनलाइट आपके फेस पे नहीं पड़नी चाहिए, इससे क्या होता है उस सनलाइट की वजह से ना फेस पे रेडनेस होने लग जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे शुरू होता है मलाजमा। मलाजमा अगर एक बार शुरू हो जाए तो उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। हम 50 के हो जाएंगे पर मलाजमा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए मैं होम रेमेडीज़ भी करती हूँ, पर होम रेमेडीज़ में भी क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। होम रेमेडीज़ इससे पहले मैं कर चुकी हूँ, और घर पे एक बार मैंने पील भी बनाया था जो संतरे के छिलके से था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें एसिड थे, तो मैंने सोचा एक बार इसको ट्राई करके देखती हूँ। 30 के बाद आपको एक पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। फेशियल भी आप कर सकते हो, क्लीनअप आप कर सकते हो, आपके पॉल्यूशन इतना है फेस पे, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें, एक हाई मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर क्रीम ज़रूर लगाएँ। और दूसरी ये है कि कोशिश ये करें, आप कोई भी वेदर हो, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, कैसा भी हो, आपको फेस पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसका SPF थोड़ा 30 से ज़्यादा हो, जो फेस पे एकदम सनलाइट को रोके और उसको रेडनेस होने में रेडनेस ना हो पाए, उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। और दूसरा ये कि पिंपल्स के लिए, डार्क स्पॉट्स तो मुझे तो अभी कुछ खास फ़र्क नहीं लगा, ऑनेस्टली बोलो तो मुझे अभी कोई नहीं लगा फ़र्क नहीं लगा, लेकिन मुझे पिंपल्स में बहुत फ़र्क लगा, जो कि ब्लैक हेड्स से और पिंपल्स से, उसमें तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लगा। दूसरा ये है कि मलाजमा के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी आप इसी को ही यूज़ करें, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। मलाजमा की प्रॉब्लम्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रही है, लेडीज़ में स्पेशली बढ़ चढ़ के मुझे देखने को मिलती है मलाजमा की प्रॉब्लम, जल्दी से इम्प्रूव नहीं होता है। और कोई भी आप केमिकल पील करवा लें या फिर आप कोई भी हाई क्वालिटी का एक फेशियल ही करा लें, तो उसमें भी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मलाजमा गायब हो जाएगा। आप होम रेमेडीज़ कर लीजिए या फिर कोई भी पीलिंग कर लीजिए, उसको इम्प्रूव होने में बहुत बहुत वक्त लगता है। तो ये सिर्फ ये मिनिमलाइज का तो सिर्फ यही है कि आप
फेस पे ग्लो के लिए अच्छा काम करता है, पिंपल्स अच्छे दूर कर देता है। दूसरा पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मतलब अगर आपके फेस पे एक पैच बन गए हैं, जैसे डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक कहीं कहीं पड़ जाते हैं, कहीं से ब्लैक लग रहा है कहीं से वाइट लग रहा है, तो उसे वो उस पिगमेंट को दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है। एक मतलब ग्लो भी बहुत अच्छा आता है फेस पे। तो अगर मैंने इन्वेस्ट इसमें करा है तो मुझे लगता है मेरे लिए इस चीज़ के लिए सही है। देखिए अब सबकी स्किन अपने अपने हिसाब की होती है, जो आपको चीज़ें सूट करती है क्या पता वो मुझे ना करें, जो मुझे करती हैं जो आपको ना करें। तो स्पेशली जो मलाजमा की प्रॉब्लम्स के जो हैं उनको तो यही बोलूँगी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप इसे अप्लाई करें। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें अपने कान के पीछे या कहीं पर भी इस तरफ हाथ पे। तो अगर आपको इचिंग लग रहा है या रेडनेस लग रही है आप तुरंत उसको धो लीजिए। और जब भी आप इसे अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद इसको नाइट में ही अप्लाई करें और एक हाई मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इसे परचेस करा है या इसे यूज़ करा है तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एक महीने का मैंने आपको शेयर कर दिया है। उसके बाद आपको मैं इस वीडियो पर बनाऊँगी जब 6 मंथ के बाद, ये 6 मंथ के बाद ये किस मतलब क्या फ़र्क लगा कि सच में डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट के लिए ये काम करा, इसने मेरे रिड्यूस हुए या गायब हो गए, 19-20 का भी फ़र्क आया। तो उसके बारे में आप ये वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।